तो बहुत ज्यादा चूंकि बोलना इसलिए नहीं है कि तरुण जी मुझे देख भी रहे हैं, अभी दूसरे कार्यक्रम में भी हम लोगों को जाना है। मैं आप सबके भाव देख रहा हूं, एक एक के चेहरे को मैंने पढ़ लिया है, और सच में मेरे मन में तरुण भैया, सलेथिया जी, मैं आपको अग्रिम पहले ही बधाई दे रहा हूं कि आपकी बड़ी विजयश्री होने वाली है, और मेरे मन में इतना भी संशय नहीं है, 0.01% का भी। आप लोगों का ये उत्साह देखकर, आप लोगों की ऊर्जा देखकर कि भारी बहुमत से हम सांबा की इस विधानसभा सीट को जीतने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये चुनाव प्रदेश को विकास और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का चुनाव है, इसलिए आज मैं भाई सलेथिया जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप 1 अक्टूबर को कमल के फूल पर वोट देकर सांबा और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। भाइयों बहनों, स्वामी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, जिसके बारे में बहुत विस्तार से अभी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण जी ने बहुत विस्तार से बताया कि उन्होंने जिसकी कल्पना की थी कि देश के अंदर एक विधान होगा, एक निशान होगा और एक प्रधान होगा, उसको साकार करने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज हम आदरणीय प्रेमनाथ डेगरा जी को भी, उनका भी स्मरण करते हैं, जिस जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण के लिए उन्होंने यहां पर आंदोलन शुरू किया था, उसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को खत्म कर एकीकृत भारत के सपने को पूरा करके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। भाइयों बहनों, और जब हम बात करते हैं धारा 370 की, तो आप याद करिए, बहुत बार लगता होगा कि 2019 में धारा 370 समाप्त हो गई, यह आसानी से समाप्त नहीं हुई है। भाइयों बहनों, आप सबको पता है, जब जब धारा 370 को समाप्त करने की बात हमारी पार्टी देश की आजादी के बाद से लगातार करती रही श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, तो तमाम प्रकार की आवाजें उठती थी कि धारा 370 समाप्त होगा तो जम्मू और कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी, कत्लेआम हो जाएगा। भाइयों बहनों, आपने देखा 2019 में 5 अगस्त को वो दिन, ऐतिहासिक दिन आया, और जो कश्मीर और जम्मू का पूरी तरह से भारत में विलय हो गया, पूरी तरह से भारत एकीकरण हो गया, भारत का अभिन्न अंग बन गया, यहां भी वही विधान चलने लगा जो देश के अंदर विधान चलता है, यहां भी वही प्रधान हो गए जो वहां प्रधान है, यही एक ही ध्वज हो गया जो देश के अंदर ध्वज चलता है। भाइयों बहनों, एक छोटा सा मच्छर भी नहीं मरा, यह नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जिसने पूरे विश्व को आज भारत की तरफ ध्यान आकर्षित कर दिया है। आप याद करिए, जब कश्मीर और जम्मू के अंदर धारा 370 थी तो कैसा कश्मीर होता था, यह मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है। आप सब थोड़ा पुराने दिनों को याद करिए, मेरी माताएं बहने बैठी हैं, आप देखते थे कैसे पत्थरबाज आ जाते थे, कोई गाड़ी रात में 6 बजे 7 बजे कहीं रुकती थी या कहीं रास्ते में गाड़ी रोक देते थे, आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी, तमाम प्रकार के विघटनकारी लगातार देश की तरक्की को रोकने का काम करते थे। और आप अंतर देखिए, आज कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर आज मिनिमम टेररिज्म हो गया और मैक्सिमम टूरिज्म हो गया। भाइयों बहनों, मैक्सिमम टूरिज्म हो गया, कितनी बड़ी संख्या में परिवर्तन हो गया, शांति हो गई। मैं अभी उत्तराखंड के एक सीमावर्ती क्षेत्र में गया था, बिल्कुल वहां भी शिक्षण का वहां पर है, ग्वालदम में एक क्षेत्र पड़ता है चमोली जिले में। भाइयों बहनों, वहां पर जम्मू और कश्मीर के इन
सीमावर्ती क्षेत्रों में, बॉर्डर क्षेत्रों में। मैंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि अब आपको क्या अंतर दिखाई देता है? तो भाइयों बहनों जानते हो, उन्होंने लंबी सांस ली और उन्होंने कहा, धारा 370 समाप्त होने के बाद जो सुरक्षा बल है, उन सुरक्षा बलों पर अब पथराव की घटना नहीं होती है, अब पत्थरबाजी की घटना नहीं होती है, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इस प्रकार का कृत्य कर पाए। यह बदला है जम्मू और कश्मीर। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जम्मू और कश्मीर के लोग दो झंडों, दो संविधान के नीचे नहीं, बल्कि शान से हमारे तिरंगे के नीचे और बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के आधार पर मतदान करेंगे। यह पहली बार है जब जम्मू और कश्मीर में चुनाव धारा 370 के बिना हो रहे हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव हमने अभी 2024 का जो आम चुनाव, लोकसभा का चुनाव हुआ है, उस चुनाव में देखा है। जहां पहले मतदान केवल 10% होता था भाइयों बहनों, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में कश्मीर घाटी में रिकॉर्ड 58% मतदान हुआ, जो ये दर्शाता है कि जम्मू और कश्मीर की जो जनता है उसकी लोकतंत्र में गहरी आस्था है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकास की नई राह खुली है। आज शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में अनेक काम हो रहे हैं, अनेक विकास की योजनाएं लाई जा रही है। केवल जम्मू क्षेत्र में ही 32,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य हुए हैं। आज घाटी में IIT, IIM, कई स्कूल कॉलेजों का निर्माण हुआ है। यही नहीं, बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए 25,000 करोड़ से भी अधिक लागत से अनेक हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। कश्मीर में 2022 के बाद ऑर्गेनाइज्ड रूप से जो ये घटनाएं होती थी, पत्थरबाजी की घटना एक भी नहीं हुई। अब युवाओं के हाथ में हथियार नहीं है, उनके हाथ में हुनर है, उनके हाथ में रोजगार है। 2019 के बाद से अब तक 30,000 से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल चुका है। साथ ही 2019 के बाद यहां 70,000 करोड़ से भी अधिक का विदेशी निवेश आया। भाइयों बहनों, ये कोई सामान्य निवेश नहीं है। 70,000 करोड़ की धनराशि बहुत बड़ी धनराशि होती है, जिसमें 200 निवेशकों को जमीन दी गई है, 5 बड़े प्रोजेक्ट शुरू भी हो चुके हैं। आज एक निजी कंपनी श्रीनगर में 500 करोड़ की लागत से माल और IT पार्क बना रही है, उसमें भी 15,000 से अधिक युवाओं को, नौजवानों को रोजगार मिलने वाला है। इसके अलावा उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च होने के बाद यहां 2,00,000 MSME यूनिट्स खुली है, जिनमें से 38,000 यूनिट्स को महिलाएं चला रही है। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हो रहा है, उसमें भी कश्मीर और जम्मू उनकी प्राथमिकता में है। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, आपको याद होगा कैसे बाबा अमरनाथ की यात्रा के समय में आतंकवाद का साया रहता था, और अब भयमुक्त होकर 5,00,000 से भी अधिक श्रद्धालुओं ने सुरक्षित और भयमुक्त तरीके से बाबा अमरनाथ के दर्शन किए हैं। भाइयों बहनों, ये नया जम्मू और कश्मीर है। आज घाटी में रात में थिएटर खुल रहे हैं, ताजिया के जुलूस निकल रहे हैं, ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका हमको कई सदियों से इंतजार रहा है, कई दशकों से जिसका इंतजार रहा है। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया। ये मोदी जी का नया कश्मीर है, जहां लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा नहीं बल्कि भारत का तिरंगा शान से लहराता है। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आने वाले सालों में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो पूरी दुनिया
भारत के रुख का इंतजार करती है। ये नया भारत बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाई बहनों, जो पाकिस्तान कभी हमें आंखें दिखाया करता था, आज भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। यही नहीं, मोदी सरकार ने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए अनेक काम किए हैं। आप सब जानते हैं, किसान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, मुफ्त राशन योजना, इसके अनेक प्रमाण मैं बोलते जाऊंगा तो मुझे लगता है कि ये योजनाएं इतनी है कि इसमें थोड़ा समय बहुत कम हो जाएगा। भाई बहनों, हमने 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। भाजपा जो कहती है वह हर हाल में करती है। अभी मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए केवल इतना आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं अभी सुशील कुमार सिंधे जो मनमोहन जी की सरकार में गृह मंत्री होते थे, वह भी कह रहे थे कि मैं कश्मीर लाल चौक जाने से डरता था। भाइयों बहनों, एक होम मिनिस्टर रहे हुए व्यक्ति इस प्रकार की बातें करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आज अगर कांग्रेस के शहजादे भी अगर कश्मीर के अंदर आ पा रहे हैं, जा पा रहे हैं, तो इसका श्रेय भी किसी को जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। भाइयों बहनों, हमारी पार्टी ने यहां के लिए जो संकल्प पत्र अपना प्रस्तुत किया है वो आप सबके सामने है। अभी इस प्रकार की बातें करते हैं कि पाकिस्तान के साथ व्यापार खोल देना चाहिए, वार्ता शुरू कर देनी चाहिए, आतंकवादी, अलगाववादी, पत्थरबाजी और उग्रवादी घटनाओं में जो जेलों में बंद है उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। भाइयों बहनों, ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न हमारा हम सबका है। ये जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रश्न है। चीची माता के प्रांगण में रहने वाले उनके बेटे बेटियों के लिए प्रश्न है कि क्या शंकराचार्य पर्वत का नाम सुलेवान पर्वत रख दिया जाना चाहिए। आप बताइए भाइयों बहनों, इस प्रकार की सोच नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला और पीडीपी और कांग्रेस पार्टी की है। भाइयों बहनों, इसलिए समय है, ये समय है इतिहास रचने का। और मैं भली भांति आश्वस्त हो चुका हूं कि आप सब लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। मां चीची के आशीर्वाद से आप इतिहास रचेंगे। और हमारे भाई सिलेथिया जी ये भारी बहुमत से जीतेंगे। और मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, जहां से मां गंगा निकलती है, यमुना जी निकलती है, चारों धाम है, आदि कैलाश है, उनका आशीर्वाद भी सिलेथिया जी के लिए लाया हूं कि उनके आशीर्वाद से सिलेथिया जी भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जितना जोश और उत्साह, जितनी ऊर्जा आज आप सब लोगों ने दिखाई है, चौराहे चौराहे से माताओं बहनों ने जिस प्रकार से आज सिलेथिया जी को अपना आशीर्वाद दिया है, अब रुकना नहीं चाहिए। ये रुकना नहीं चाहिए 1 अक्टूबर तक, जब तक कि मतदान पूरा ना हो जाए। और 1 अक्टूबर के दिन प्रातः काल सुबह उठ के सबसे पहले आपने पहले मतदान करना है, और मतदान करने के बाद फिर जलपान करना है, और अपना मतदान करने के बाद अपने जानने वाले, पहचानने वाले, नातेदार, रिश्तेदार, दूर के मिलने वाले, नजदीक के मिलने वाले, बड़े बुजुर्ग, हर एक को कहना है कि कमल के फूल वाले बटन पर जाकर अपना मतदान करना है, और कमल के फूल वाला बटन इतना दबा देना है, इतना दबा देना है, दबाते जाना है, दबाते जाना है, दबाते जाना है, और शाम को 5 बजे तक या 6 बजे तक, जब भी जितने बजे तक यहां मतदान होगा, उस बटन को इतना दबा दीजिए कि वो बटन उसके बाद अंतिम मतदान होने के बाद अंदर चला जाए, और जिस दिन मतगणना हमारी होगी उस दिन उस मशीन में से, ईवीएम में से इतने कमल निकाल दीजिए, इतने कमल निकाल दीजिए कि दीपावली से पहले ही सांबा में भी दीपावली हो, जम्मू और कश्मीर के अंदर भी दीपावली हो। मैं आप सब से यही निवेदन करने के लिए आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब एक एक मत देकर यहाँ इतिहास रचने का काम करेंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय।